अम्मी आपको हर बार नए लड़के मिल कहाँ से जाते हैं? बस कीजिए प्लीज, हमें किसी और लड़के से नहीं मिलना। हसीना इतनी चूजी मत बन, अभी जिस लड़के की तस्वीर भेजी है उसको हाथ से मत जाने दे, एक बार देख तो ले, तेरे लिए बेस्ट रहेगा ये लड़का। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। जी रखते हैं फोन। अम्मी भी ना मानेंगी नहीं, कौन है ये? आप अपने बाल खोल सकते हैं, वैसे आप खुले बालों में अच्छी लगती है। आपको हम पर विश्वास है ना? मैडम। जी पुष्पा जी, आप यहाँ? वो आपका एक पार्सल आया था तो सोचा आप खुद ही दे दें। अच्छा दीजिए यहाँ। वैसे हमें पता तो था कि आप डीएसपी सर को पसंद करते हैं, मगर आज पहली बार रंगे हाथों पकड़ी गई आप। नहीं नहीं पुष्पा जी, ऐसी ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप जी प्लीज धीरे कहिए, वरना जबरदस्ती दाई का पहाड़ हो जाएगा। आप भी इधर कर दीजिए ना, बोल दीजिए हमसे क्या शर्माना। हाँ हम अनुभव सर को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हम आपके लिए बहुत 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 खुश हैं। अपने वो जगह पर जाओ, जाओ चल जीते जा। आराम से थोड़ा और पास जा। संतु जी क्या कर रही है? ज्यादा पास जाएंगे तो मिक्स वेजिटेबल हो जाएगा, फिर कौन चीता है कौन पिया जी है पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी। पिया चीता का हाथ पकड़ो। चीते ऐसे हाथ पकड़ेगा तू? हाँ फोन है कि वाइब्रेट होए जा रहा है कब से। अबे चीते तुझसे रोमांस नहीं होगा, मैं सिखाता हूँ कैसे होता है रोमांस। जा 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 भाई जा। जोशी पकड़। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ कभी ना भूलूंगा मैं, जब तक है जान। हाथ वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, बाकी ऐसे रोमांस करना है तुझे। बहुत ज्यादा हो गया संतु जी इसका। ए चुप करो तुम, एक ऐसा कंटाप लगाएंगे ना सारा सुरतार भूल जाओगे तो। तुमसे सनी हाँ। तुम बहुत अच्छा रोमांस करते हो, आओ तुम। आओ जाओ, मौका मिला, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। हमें किसी और के साथ रोमांस नहीं करना, हमें सिर्फ चीता जी के साथ रोमांस करना है। वो क्या है ना, हम इनके साथ थोड़े कम्फर्टेबल है। ठीक है, अब तुमको इसी टोपा के साथ रोमांस करना है तो इसी के साथ करो। ठीक। वैसे मैडम सर, हम आप बहुत खुश हैं आज ये जान के कि आप करिश्मा जी की भाभी बनेंगी और वो आपकी ननद, मतलब यहाँ भी आप उनकी सीनियर होंगी। पुष्पा जी प्लीज, इतनी जल्दी ख्याली पुलाव मत पकाई। करिश्मा सिंह की भाभी बनने के लिए पहले उसके भैया हाँ तो कहें। आप एक काम कीजिए ना, आप ही उनसे पूछ लीजिए। हम पूछें?
क्या क्या कह रही हैं पुष्पा जी, ऐसे थोड़ी ना होता है. हम नहीं पूछेंगे, हमें शर्म आती है, हम नहीं पूछ सकते. मैडम सर, इसमें शर्माने की क्या बात है? देखिए, मोहब्बत में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, हमेशा याद रखिए. जैसे डीएसपी सर आएंगे ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा. अभी देरी मत कीजिए. हाँ, ऐसे नहीं लीजिए, हम प्रकट हो गए आपके समक्ष. पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जयहिंद सर. जयहिंद. मैडम सर, पूछिए ना. चलो ठीक है, हम ही शुरुआत कर देते हैं. मैडम सर जो है ना, वो पिछले कई दिनों से आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी. अब वो सवाल क्या है ये मैडम सर खुद पूछेंगी, क्योंकि वो पूछना चाहती थी. तब तक हम वो पार्सल स्टोर रूम में रख के आते हैं. हाँ, मतलब तब तक आप दोनों एक दूसरे को हाँ कह दीजिए. जी? हमारा मतलब ये है कि एक दूसरे को, बस एक दूसरे से सवाल जवाब कीजिए. दीजिए, पार्सल दीजिए. ये पार्सल पुलिस थाने में? हाँ, मैडम सर का है. वो इनके कोई रिश्तेदार है, दत्ता जी. हाँ, वो पार्सल आए. अरे हाँ हाँ, आपने बताया था हमें. तो आते हैं हम ये रख के. तो हसीना जी, पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? पुष्पा जी, प्रश्न आपको पूछना है या हसीना जी को? उनको ही पूछना है. आते हैं हम. जाइए. पूछिए ना, हम इंतजार कर रहे हैं. फोन. जी दत्ता जी, कहिए. नमस्कार बेटा. हमारा एक पार्सल आने वाला था, आया क्या? हाँ हाँ, आपका पार्सल आ गया है और हमने हिफाजत से स्टोर रूम में रखवा दिया. अब जब चाहे कलेक्ट कर सकते हैं. मैं कल आके कलेक्ट कर लूंगा. हाँ हाँ, आ जाइए, फिर मुलाकात होती. खुश रहो. कहाँ चले गए? मैडम सर, बात होगी आपकी सर से? क्या कहा उन्होंने, बताइए ना. अरे पुष्पा जी, रिलैक्स, कोई बात ही नहीं हो पाई हमारी. जब तक हम अपना फोन कॉल करके पलटते, वो गायब हो गए. तो लॉक लगा है, जल्द से जल्द इसे अनलॉक करना होगा. मधुमक्खी जो होती है ना, वो अपने छत्ते के आसपास ही मंडराती रहती, कहीं नहीं जाती. वो भी कहीं नहीं गए होंगे, यही कहीं होंगे. दूसरे लॉक का कोड भी जल्दी क्रैक करना होगा. फोन करके देखते. ये डीएसपी सर का ही फोन है ना? फोन भी यहीं छोड़ दिया, फिर गए कहां? थाने में देखते हैं. ये काम करिए, आप उस तरफ जाकर ढूंढिए, हम स्टोर रूम में देखते हैं. ठीक है,
आप जाएंगी? हाँ हाँ, हमसे ना रहा नहीं जा रहा है। सर आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। वो दरअसल कल हमने चने कुछ ज्यादा खा लिए थे, इसलिए पेट अपसेट हो गया है। आइए पुष्पा जी। आप कुछ पूछना चाहती थी? शीघ्र ही पूछिए वरना पता चला फिर से बुलावा आ गया। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो ठीक है, हम चलते हैं। सर आपका फोन हमारे केबिन में रह गया है, वो लेते हुए जाइएगा। अरे हाँ, थैंक यू, चलते हैं। कहाँ हम आपकी शादी के सपने देख रहे थे मैडम सर। सोचा था घोड़े को चने खिलाएंगे, मगर देखो यहाँ खुद दूल्हा चने खा के परेशान है। जय हिंद सर। सर जितना हम इसके बारे में सोच रहे थे, ये उससे भी ज्यादा भयानक योजना बना रहे हैं। जैसा हमें संदेह हो रहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही है तो निश्चित हम एक बहुत गहरी संकट में हैं। और सच बताएं तो हम बहुत भयभीत हो रहे हैं सर। जय हिंद सर। कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए चीते। तुमको पिया के बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है ताकि कबीर जब यहाँ आए और वो जब तुम दोनों को साथ देखे तो भड़के, और बाकी ना हम सब संभाल लेंगे, ठीक है चीते? हाँ। उसका वक्त हो गया आने का, तू जा। ऑल द बेस्ट। तुम देखते रहना, थोड़ा दूर रहे। ऑल द बेस्ट। चीते आ गया। हाँ, हाँ, है। तेरी जिल्लत कैसे हुई? जिल्लत नहीं भैया, हिम्मत। अबे जिल्लत या हिम्मत, चुप कर। जो तुम किए हो ना, उसके लिए हम तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। आप बच नहीं पाओगे। सुनो, इकबाल बनन तुम दोनों रेडी रहना, ठीक है? वहाँ पे जाओ, उसे रोको और जोर जोर से चिल्लाना, पुलिस पुलिस पुलिस, तो मैं और करिश्मा मैडम आके उसे बचा लेंगे। तुम कब कभी रुके? कौन हो तुम बे? कौन हो? हमें गुस्सा नहीं। हम चिंतन है। हम प्यार से बहुत पिया करते हैं। हमें पिया से बहुत प्यार करते हैं, ये सच बात है। ये सच्चाई, ये हमसे प्यार करते हैं और हम भी इनसे प्यार करते हैं। तुझसे प्यार करेगी। चिंतन और मनन करने का ना तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। ये तो सुंदर सा चेहरा है ना तुम्हारा, बिगाड़ने वाले समझे? चाय पीलिए, बहुत बढ़िया बना। चाय पिलाएंगे हम तुम्हें, पहले राबता में खिलाए। समझाओगे? हम कह रहे हैं ना, बहुत मारा यार, चलते।
और मैंने बहुत मचाया। आओ उधर। तुम दोनों क्या कर रहे हो अंदर? बाहर आओ, बाहर आओ। मैडम हमने अपने आप को रंगे हाथ पकड़ के सीधा अंदर डाल दिया। मैडम आपको झूठ लग रहा है? मैडम सामने रजिस्टर पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमने खुद के FIR दर्ज कर रही। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैडम हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम अपने आप को कड़ी से कड़ी सजा देंगे मैडम। लेकिन प्लीज मैडम हमको मारिएगा मत मैडम। देखो हमारा दिमाग का दही मत करो, समझ रहे हो? तुम दोनों बाहर नहीं आए ना तो इसी दीवार में चुनवा देंगे तुम दोनों को। चलो बाहर आओ। आपसे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग कम हुई तो आप हमको मारोगे? अरे मतलब आई, एक काम करते हैं हम लोग आपस में मार लेते हैं, ठीक है? ये तो परफेक्ट आइडिया मैडम, मुझे धीरे 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 मेरा भाई है। तुम ऐसे नहीं मानोगे संतु, डंडा लेकर आओ, डंडा लेकर आओ। अरे एक मिनट, डंडा नहीं, डंडा आ जाओ, और निकलते हैं। पहुंच गया से बात डालो, इनको अंदर डालो। अरे पर जय हिंद मैडम सर। जय, ये जो सलाखे है ना, ये किसी प्यार करने वाले को रोक नहीं सकती। और प्यार करना कौन सा पुना है? पुना नहीं, सॉरी, इनके कहने का मतलब है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सारे आम किसी को पीटना गुनाह है, इसकी वजह से तुम जेल के अंदर हो। और सुनो, तुम ये खुद को ट्रू लवर कहना एक तो बंद करो, प्यार सहमति से होता है, जबरदस्ती नहीं। और पिया तुमसे प्यार नहीं करती। आप झूठ बोल रही हैं। प्रिया हमसे बहुत प्यार करती है, और वो तो वो बेचारी भोली है, बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में देखा हमने, वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो अपने मुंह से मना करती है तब तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन उसकी आंखें क्या कहती है वो तुम्हें समझ आ रहा है। प्रिया तुमसे प्यार नहीं करती, वो कितनी बार तुमसे ना कहे, उसकी ना में ही हाँ है। अम्मा थोड़ा पढ़ लेते तुम तो तुम्हें समझ में आता कि हाँ हाँ होता है और ना ना होता है। देखिए हम समझ रहे, आप सब हमें प्रिया से फिदा करना चाहते हैं, लेकिन जान लीजिए वो हमारी और हम उसके। हम ऐसा कंटाप खींचेंगे ना कि तुम्हारा उर्दू और तुम्हारा जो बुद्धि है ना वो साथ में सीधा हो जाएगा। क्यों गालिब का जान सुखा रहे हो? फिदा नहीं होता है, जुदा होता है। और कौन किसके लिए बना है ना ये हमको नहीं पता, लेकिन लात घूसा तुम्हारे लिए बना ये अभी हमें पता है। और हम तुम्हें किसी से जुदा नहीं कर रहे, अगर प्रिया तुमसे प्यार करती तो हम बीच में नहीं आते। प्रिया तुमसे प्यार नहीं करती ये बात समझ जाओ। पिया घबराओ मत, आराम से बताओ, क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो? क्या तुम इसे प्यार करती हो? डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। पिया तुम्हें डरने वरने की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो और हम तुमसे। बस एक बार ना उस लड़के का नाम बता दो जिसने तुम्हें छुआ है, ऐसा मारेंगे ना उसको कि हमेशा याद रखेगा। कह दो इनसे कि आप भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। बोलिए पिया जी। नहीं, नहीं करते हम तुमसे प्यार, नफरत करते हैं तुमसे। पहले दिन भी तुम्हारा प्यार ठुकराया था और आज भी ठुकरा रहे। क्या कह रही हो तुम, प्यार नहीं करती आप हमसे? हाँ ये चला दिया हमारे प्यार का। के बाबू जिला नहीं होता है, सिला होता है। अबे जिला होता है या सिला होता है, हम तुम्हें हम कहीं देखे हैं यार? नहीं 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 हमें ना 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 नेवर। पिया आज तक तुमने हमारा सिर्फ प्यार देखा है, लेकिन अब तुम हमारी नफरत देखोगे। जिस तरह हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना, उसी तरह हम तुम्हें बहुत ज्यादा अब नफरत करेंगे। बस एक बार हम यहां से बाहर आ गए ना, फिर तुम देखना हम तुम्हारी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे, समझी तुम? फिर चाहे हमें फांसी क्यों ना लग जाए, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, समझ रही हो ना तुम? हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझी? और तुम्हें अब ये पुलिस ऑफिसर्स क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान
बचा नहीं सकेगा। यार हमें ऐसा लगता है कि हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात होता है वो, और हमको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग का मुलाकात हुआ है कभी। लेकिन तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। भैया क्या है ना कि इस दुनिया में ना एक शकल के सात इंसान होते हो, तो देखे होंगे आप हमारे जैसा कभी भी। बात तो सही है। और ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? यार तुम केबीसी खेल लो हमारे साथ, कितना सवाल कर रहे हो भैया तुम। हम फिसलते फिसलते नहा गए थे, नहाते नहाते फिसल गए थे, नहाते नहाते। हाँ ठीक है इसको छोड़ो। देखो हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं, हम तुम्हारी काउंसलिंग के लिए यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम हमें पूरी सहायता करोगे। और आपको ऐसा क्यों लगता है? जितना पूछा जाए उतना बता दीजिए ना भैया। इसकी तरफ ध्यान मत दो। हाँ बोलो आगे। देखिए जब तुम किसी को टूट कर चाहो ना और वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो क्या बीतती है वो आप में से कोई नहीं समझ सकता। मैडम सर आपने देखा ना ये सरफिराशी कैसे धमकी दे रहा था, वो भी हमारे सामने। वो बेल पे निकला ना पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, हम बता रहे हैं आपको। रिलैक्स करिश्मा सिंह, आज सैटरडे है और कल संडे, मतलब दो दिन तक तो वो बेल से यहाँ से जा नहीं सकता। और जहां तक बात है पिया की, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। रिलैक्स, हम बात करेंगे, समझाएंगे उसे, वो समझ जाएगा। आप क्या बात कर रही हैं? उस टोपे इंसान का केस आप ऐसा जज्बात से सॉल्व करेंगी? जो इंसान प्यार का भाषा नहीं समझ जाए वो जज्बात का भाषा कैसे समझेगा, आप हमें ये बताइए। करिश्मा सिंह फिलहाल वो बहुत गुस्से में है, एक बार वो शांत हो जाए फिर हम उससे बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि वो कितना गलत है। ठीक है? ठीक है, अगर वो समझ गया तो उसके लिए बहुत अच्छा बात होगा। लेकिन अगर उसने पिया को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया और आपका जज्बातों का चक्री ना चला तो फिर दुनिया का कोई भी जज्बात और कोई भी ऑर्डर उसको हमसे नहीं बचा सकता। फिर ना हम आपका सुनेंगे और ना आपके ऑर्डर का, ये आप याद रखिएगा। जय हिंद। जय हिंद।